दर्शक साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निपात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निपात क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं? आइए हम देखते हैं निपात शब्द का अर्थ। निपात शब्द का अर्थ है ढह जाना, पतन या बर्बाद हो जाना। किंतु हिंदी व्याकरण की दृष्टि से निपात शब्द का अर्थ अतिरिक्त भार या बल प्रदान करना, या वह उपपद जिसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ प्रभावित हो निपात कहलाता है। साथियों यदि हम देखें निपात शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ढह जाना, बर्बाद हो जाना या पतन हो जाना, तो यह शाब्दिक अर्थ है। किंतु हिंदी व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो इसका मतलब होता है अतिरिक्त भार देना या बल देना। इसके अलावा यानी ऐसा शब्द जिसके प्रयोग से एक वाक्य का अर्थ प्रभावित होता है या उस वाक्य के अर्थ पे जोर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, बल पड़ता है, तो ऐसे शब्द निपात कहलाते हैं। अभी हम इनको उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। साथियों आइए हम देखते हैं कि निपात क्या है, निपात क्या होते हैं। निपात वे शब्द होते हैं जो अव्यय की भांति वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ में अतिरिक्त बल या भार प्रदान करके श्रोता के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करते हुए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया की निश्चितता को प्रकट कराने का कार्य करते हैं। साथियों निपात शब्द जो हैं वे एक प्रकार से अव्यय ही है, हम या उसे अव्यय ही कहते हैं, या ऐसे अविकारी शब्द हैं जो एक वाक्य में प्रयुक्त होकर के एक वाक्य में आकर के वे अतिरिक्त बल या भार को प्रदान करते हैं, मतलब उसमें प्रभाव पैदा करते हैं, उस वाक्य में उस बात में अपना प्रभाव पैदा करते हैं, जिससे कि श्रोता जो है या सुनने वाला है उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। और ये जो है वाक्य में आई संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, इसकी निश्चितता को प्रकट करते हैं कि हाँ वही है या उसी ने या वह ही, ऐसा कराने का कार्य करते हैं। साथियों निपात का अपना कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है और ना ही ये वाक्य का कोई एक भाग होता है, फिर भी वाक्य में अर्थ की प्रभाव उत्पादकता को उत्पन्न करते हैं। देखिए उदाहरण समझते हैं, मोहन ही जबलपुर जाएगा। अगर हम सामान्य शब्दों में कहें मोहन जबलपुर जाएगा, सामान्य बात होगी मोहन जबलपुर जाएगा, परंतु यहाँ पर हमने ही निपात का प्रयोग करके बोला है कि मोहन ही जबलपुर जाएगा। यहाँ पर देखिए मोहन संज्ञा शब्द है और मोहन ही अर्थात मोहन ही जाएगा, मोहन के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा, यहाँ पर बात की गई है मोहन ही, अर्थात संज्ञा पे बल दिया गया है, संज्ञा की निश्चितता प्रकट की मोहन ही जाएगा। अब यहाँ पर यह निपात है। दूसरे वाक्य में हम देखेंगे कि मोहन जबलपुर ही जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरी संज्ञा क्या है, जबलपुर है, इस पे बल दिया गया है। इस वाक्य में पहली संज्ञा मोहन जो थी उस पे मतलब बल दिया गया था, इस दूसरे वाक्य में जबलपुर जो दूसरी संज्ञा है उस पे बल दिया जा रहा है कि मोहन जबलपुर ही जाएगा, अर्थात वह अन्य शहर नहीं जाएगा बल्कि कहाँ जाएगा, जबलपुर ही जाएगा। तो यहाँ पर ही जो है इससे जो अर्थ है कहना चाहिए, इस पे बल पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तीसरी बात याद रखेंगे कि मोहन जबलपुर जाएगा ही, अब यहाँ पर देखिए क्रिया पर फोकस किया जा रहा है, क्रिया पर क्रिया की निश्चितता प्रकट की जा रही है कि जो मोहन है वो जबलपुर जाएगा ही, यानी उसको जाना ही है, किसी भी तरह से उसको जाना ही है। तो यहाँ पर देखिए तीनों वाक्य जो है तीनों में ही का प्रयोग किया है, जो कि इन दो वाक्यों में संज्ञा पर मतलब संज्ञा पर प्रभाव या संज्ञा की निश्चितता को प्रकट कर रहा है और इस वाक्य में क्रिया की निश्चितता को प्रकट कर जाएगा ही। ठीक, चौथा वाक्य क्या है कि मुझे भी अंग्रेजी सीखना था। यहाँ पर मुझे भी देखिए यहाँ पर सर्वनाम है, ये सर्वनाम की निश्चितता प्रकट की जा रही है कि मुझे भी इन्हें मुझे भी अंग्रेजी सीखना था। दूसरे वाक्य में देखिए पांचवें वाक्य में मुझे अंग्रेजी सीखना भी था, मुझे अंग्रेजी सीखना भी था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाक्य में सर्वनाम
पर बल पड़ रहा है, सर्वनाम पर जोर दिया जा रहा है और इस वाक्य में सीखने पर बल दिया जा रहा है। छठवां क्या हुआ है, होशियार भी है। अब यहाँ पर देखिए होशियार शब्द है, यह विशेषण शब्द है और विशेषण शब्द पर बल दिया जा रहा है कि वह होशियार भी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रत्येक वाक्य में अर्थ में प्रभाव उत्पादकता को पैदा करने के लिए, एक प्रभाव पैदा करने के लिए या श्रोता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या संज्ञा या सर्वनाम के निश्चितता को प्रकट करने के लिए निपातों का प्रयोग किया जाता है। तीन वाक्यों में आप देखेंगे कि ही और भी जो है ये निपात है। अभी हम आगे निपातों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्येक का वाक्य में प्रयोग करके भी आपको बताएंगे। फिर आती बात निपात के कार्य। अब निपात के कौन कौन से कार्य है क्या देख लें, तो निपातों के माध्यम से नीचे दर्शाए गए कार्य संपन्न किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य, सबसे पहला प्रश्न सूचक निपात से अर्थ पर बल देना, अर्थात प्रश्न करके हम उसके अर्थ पर बल या प्रभाव डालते हैं। देखिए उदाहरण, अभी क्या मैं सो गया था, अभी क्या मैं सो गया था। अगर हम बोलता है कोई व्यक्ति कहता है क्या अभी मैं सो गया था, तो क्या के माध्यम से प्रश्न करके हम इसके अर्थ पे बल दे रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। दूसरा है क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, हम मतलब उसमें अर्थ के अर्थ में जो है प्रभाव उत्पादकता पैदा कर रहे हैं, प्रभाव पैदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नामक निपात का प्रयोग करके। आगे देखेंगे दूसरा, अस्वीकृति के अर्थ पर बल देना, यानी जब कोई हमको बात नकारना है, अस्वीकार करना है, उस पर बल देने के लिए हम निपातों का प्रयोग करते हैं। सोए तुम नहीं थे, सोए तुम नहीं थे, तो यहाँ पर नहीं शब्द से हम अस्वीकृति पर बल दे रहे हैं। दूसरा, पवन आज वहाँ नहीं जाएगा, पवन आज वहाँ नहीं जाएगा, तो यहाँ पर बल दे रहे हैं कि वो काम नहीं करेगा, जाने का जो कार्य है वह नहीं होगा, तो यहाँ पर मतलब देखिए इसके अर्थ पे बल दिया जा रहा है। तीसरा है विस्मय बोधक अर्थ पर बल देना, अर्थात कोई आश्चर्यजनक बात है या विस्मय प्रकट करना है, ऐसी बातों पर बल देने के लिए हम निपातों का प्रयोग करते हैं। क्या देखेंगे, क्या अच्छी पुस्तक है, क्या अच्छी पुस्तक, अच्छी पुस्तक है सामान्य रूप से बोलेंगे, पर क्या अच्छी पुस्तक है, यानी बहुत अच्छी पुस्तक है, यहाँ पर हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। दूसरा, क्या घनघोर बादल छाए हैं, क्या घनघोर बादल छाए हैं, थोड़ा सा हमको हमारे चेहरे के हाव भाव के साथ ही बोलेंगे तब समझ में आएगा, क्या घनघोर बादल छाए हैं, अर्थात यहाँ पर हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, बादल तो छाए हैं परंतु क्या घनघोर, एक आश्चर्य को हम प्रकट कर रहे हैं। और चौथा जो है, वाक्य में किसी शब्द विशेष पर बल देना, कोई भी वाक्य मान लो उसमें किसी शब्द विशेष पर बल देना, जैसा कि मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया गया था कि यहाँ मोहन नामक संज्ञा पर बल दिया गया था, यहाँ जबरपुर नामक संज्ञा पर बल दिया गया था, यहाँ पर जो जाएगा या जाना क्रिया नामक पर बल दिया गया था, यहाँ पर सर्वनाम पर बल दिया गया था, यहाँ पर क्रिया पर बल दिया गया था और यहाँ पर विशेषण पर बल दिया गया था। तो हम यहाँ देखते हैं कि वाक्य में किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए हम निपात का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये तो बच्चा भी जानता है, इस वाक्य में बच्चे शब्द पर, बच्चा शब्द पर हम बल देने के लिए भी निपात का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र दिल्ली ही रहेगा, अब यहाँ पर ही निपात का प्रयोग किया गया है दिल्ली नामक संज्ञा पर बल देने के लिए। अगला है गंदगी का वहाँ ये आलम है कि श्वास लेना तक मुश्किल हो रहा था, यहाँ पर देखिए हम यहाँ तक निपात है उसका श्वास लेना क्रिया पर बल देने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था। अब इसके पश्चात हम चलते हैं निपात के कौन कौन से प्रकार है इस पर। निपात के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहला प्रकार है स्वीकारार्थक निपात, अर्थात ऐसा निपात जिसपे बात स्वीकार की जाती है। देखिए जैसे इनमें से है जो स्वीकारार्थक निपातों के अंतर्गत आते हैं हाँ, जी हाँ, जी हूँ, ये जो है ये स्वीकारार्थक निपात है, अर्थात हम किसी बात को स्वीकारते हुए बात के अर्थ पर बल देते हैं, तब वहां पर इन निपातों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लें, हाँ हम सभी लोग विवाह समारोह में जाएंगे, देखिए हाँ यहाँ पर स्वीकार की गई बात की, हाँ हम सभी लोग विवाह समारोह में जाएंगे, यहाँ पर हम अर्थ पे बल दे रहे हैं स्वीकारार्थक निपात का प्रयोग करके। दूसरा उदाहरण देख लें, जी हाँ अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, जी हाँ हमें अब यहाँ से निकल जाना, देखिए हम
बात वहां से हट जाने या निकल जाने के लिए उस पर बल देने के लिए हम जी हाँ निपात का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण देख ले, हाँ हाँ हम पहुंचते ही आपको खबर दे देंगे। देखिए स्वीकारात्मक जो निपात है उसमें पुनरुक्त निपातों का प्रयोग करके हम अर्थ पर बल देते हैं। देखिए पुनरुक्त दो बार प्रयोग किया गया, हाँ 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 हम पहुंचते ही आपको खबर दे देंगे। तो ये हुआ तुम्हारा स्वीकारार्थक निपात, अर्थात किसी बात को स्वीकार्थ भी है, अर्थ पर बल देते हैं तो वहां पर स्वीकारार्थक निपातों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है नकारार्थक निपात। नकारार्थक निपात अर्थात यहाँ पर किसी बात को नकारा जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है, तो वहां पर नकारार्थक निपातों का प्रयोग करते हैं। और ये है नहीं, जी नहीं, न नाही, ये नकारार्थक निपात है। उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पर, मुझे उसका लोगों से रुपये उधार मांगना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर देखिए नहीं नामक निपात का प्रयोग किया गया है बात को नकारने के लिए। दूसरा उदाहरण है कार्यक्रमों में इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब यह नहीं के द्वारा हम बल दे रहे हैं कि जो कार्यक्रम है उनमें परिवर्तन करना संभव नहीं है, इस बात पर बल देने के लिए हम नहीं नामक निपात का प्रयोग करे हैं। तीसरा है नहीं हम नहीं आ सकते। यहाँ पर देखिए दो तरह से हम निपातों का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं हम नहीं आ सकते, तो यहाँ पर न आने की बात पर बल देने के लिए निपातों का प्रयोग किया गया है। तीसरा जो प्रकार है वह है निषेधात्मक निपात। निषेधात्मक निपात अर्थात किसी बात की मनाई हो, इसमें केवल मत नामक निपात का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लें, उसे छेड़ो मत वरना क्रोधित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निषेध किया गया, मना किया गया है कि आपको आप ऐसा ना करें, जैसे कि उसे छेड़ो मत वरना वह क्रोधित हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे, उसे मत मारो उसकी गलती नहीं है। यहाँ पर निषेध किया गया, मना किया गया है कि उसे मत मारो उसकी गलती नहीं है। तीसरा है रोको मत जाने दो। यहाँ पर निषेध किया गया कि भाई उसे रोकना नहीं है, जाने देना है। यहाँ पर रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर देखिए यहाँ रोकने की बात की गई है। तो यहाँ इन दोनों वाक्यों में केवल अल्पविराम की वजह से अर्थ में परिवर्तन हुआ है, परंतु जो मत निपात है इसका यहाँ पर जो प्रयोग है वो अर्थ पे बल देने के लिए किया गया है। चौथा जो है प्रश्न बोधक निपात। प्रश्न बोधक में हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं या अपने प्रश्न पर हम बल देने के लिए इन निपातों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या, क्यों ना या क्यों ना, इन निपातों का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख ले, क्या वह आने वाला है, क्या वह आने वाला है, ऐसा यहाँ पर हम अपने प्रश्न करते हुए अपनी बात पर बल देने के लिए हमने क्या निपात का प्रयोग किए हैं। इसी तरह दूसरा है क्यों ना हम ट्यूशन कर ले, क्यों ना हम ट्यूशन कर ले। तो अब यह देखिए यहाँ हम ट्यूशन करने की बात पर बल देने के लिए प्रश्न पूछते हुए यहाँ पर क्यों ना निपात का प्रयोग किया गया है। चौथा है मोना मेरे साथ जाएगी क्या, मोना मेरे साथ जाएगी क्या। यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति मेरे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा, इस बात पर बल देने के लिए यहाँ पर क्या निपात का प्रयोग किया गया है, जैसे कि मोना मेरे साथ जाएगी क्या, ऐसा। चौथा उदाहरण है क्यों जी सोते ही रहोगे, क्यों जी सोते ही रहोगे। तो यहाँ पर हम अपनी बात पर बल देने के लिए क्यों निपात का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपने देखा ये है प्रश्न बोधक निपात। प्रश्न सूचक निपात के और भी अन्य अर्थों में इसका प्रयोग होता है, यहाँ देख लेंगे। देखिए उदाहरण दिया यहाँ, क्यों का प्रयोग संबोधन के साथ किया जाता है। यदि किसी को संबोधित करना है तो वहां पर हम प्रश्न सूचक निपात का प्रयोग करते हैं, जैसे क्यों भाई आज विद्यालय जाने का इरादा नहीं है, क्यों भाई आज विद्यालय जाने का इरादा नहीं है। यहाँ पर हम सामने वाले को संबोधित करते हुए हम प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा है विश्वास या संदेह को प्रकट करने के लिए भी हम प्रश्न सूचक निपात का प्रयोग करते हैं, जैसे आप खरीदी करने आए हैं ना। यदि किसी को यह कहा जाए कि आप खरीदी करने आए हैं ना, मतलब हम यहाँ पर एक विश्वास को प्रकट कर रहे हैं कि आप खरीदी करने ही आए हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा ना, इसमें संदेह प्रकट कर रहे हैं, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा ना। तो इस तरह से हम प्रश्न सूचक निपातों का प्रयोग भी संदेह प्रकट करने के लिए, विश्वास प्रकट करने के लिए या संबोधन के लिए इनका प्रयोग हम भी करते हैं। पांचवा जो प्रकार है वह है विस्मय बोधक निपात। इसके अंतर्गत
क्या काश ये निपात आते हैं। यहां पर हम उदाहरण के माध्यम समझते हैं, काश मैं भी वहां होता, काश मैं भी वहां होता। हम यहां पर एक विस्मय को प्रकट कर रहे हैं कि काश मैं भी वहां होता। दूसरा है, क्या बढ़िया प्रस्तुति थी, यानी एक आश्चर्य को प्रकट करते हुए हम क्या या काश नामक जो निपात है इनका प्रयोग हम यहां पर कर रहे हैं। छठवां जो प्रकार है निपात का वह है बल प्रदायक या सीमा बोधक निपात। इसके अंतर्गत आते हैं भी, तो, ई, तक, जो, न या ना, सिर्फ, केवल, भर, ये निपात जो है इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात बल प्रदायक या सीमा बोधक निपात के अंतर्गत। उदाहरण देख लेंगे यहाँ पर, उसे तो अभी घर पर ही होना चाहिए, मतलब यहाँ पर हम बल दे रहे हैं कि भैया जो सर्वनाम शब्द है ये उसे, उस पर बल देने के लिए हम तो निपात का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, इसकी कीमत मात्र 20 रुपए है, इसकी कीमत मात्र, यहाँ पर कीमत पर हम जो विशेषण कहना चाहिए, इस पर बल देने के लिए मात्र नामक निपात का प्रयोग कर, इसकी कीमत मात्र 20 रुपए है। तीसरा है, उसे बच्चे बच्चे तक पहचानते हैं, अर्थात यहाँ पर तक निपात का प्रयोग किया गया है बच्चे बच्चे पर बल देने के लिए। चौथा है, मैं उससे नफरत जो करता हूं, यहाँ पर जो निपात का प्रयोग हम कर रहे हैं, एक बल दे रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं अर्थ पर है। तो आप यहां देखा कि ये थे बल प्रदायक या सीमा बोधक निपात। सातवां है, ध्यानाकर्षक निपात, क्योंकि ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसके अंतर्गत भर, केवल, मात्र, सिर्फ, ये निपात आते हैं। उदाहरण देख लेंगे, वह जीवन भर पढ़ाता रहा, अब यहाँ पर ध्यान आकर्षण करने के लिए हम जीवन भर की बात कर रहे हैं, वह जीवन भर पढ़ाता रहा, तो यहाँ भर निपात का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, उसका केवल यही कर्तव्य था, केवल मात्र, हम यहाँ पर सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग किए हैं। सिर्फ इसे ही देखिए, यहाँ पर सिर्फ इसे ही देखिए वाक्य में सिर्फ जो शब्द का प्रयोग है वो हम ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका प्रयोग यहाँ पर किए हैं। आठवां जो प्रकार है निपात का वह है तुलना बोधक निपात, और तुलना बोधक निपात के अंतर्गत आते हैं सा या सी। उदाहरण देख लेंगे, मैंने तुम सा इंसान नहीं देखा, तुम सा तुम्हारी तरह का, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। दूसरा है, बच्चों सी हरकत मत करो, बच्चों सी हरकत मत करो, बच्चों सी बच्चों के समान, तो हम यहाँ पर तुलना कर रहे हैं सा या सी के माध्यम से, इसलिए ये तुलना बोधक निपात है और इससे अर्थ पर भी बल पड़ रहा है या उस पर एक प्रभाव पैदा हो रहा है। नौवां है, आदर सूचक निपात, इसके अंतर्गत केवल आता है जी, जैसे जी श्रीमान अभी आया, यहाँ पर हम प्रभाव डालने के लिए जी नामक आदर सूचक निपात का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जी भैया ले लीजिए, तो यहाँ पर जी निपात का प्रयोग आदर को प्रकट करने के लिए, एक वाक्य में प्रभाव डालने के लिए हम जी नामक आदर सूचक निपात का प्रयोग कर रहे हैं। दसवां है, अवधारणा बोधक निपात, इसके अंतर्गत आते हैं ठीक, लगभग, करीब, ठीक यही वह विद्यालय है, अर्थात हम अपने धारणा को बनाते हैं कि हाँ ठीक ये वही विद्यालय है। या दूसरा उन्होंने देखेंगे, लगभग 5 बजे पहुंच जाऊंगा, यानी हम एक अपनी धारणा को प्रकट कर रहे हैं कि लगभग मैं वहां पर 5 बजे पहुंच ही जाऊंगा। और तीसरा है, तकरीबन 10 मीटर होगा, हम यहाँ पर संभावना व्यक्त कर रहे हैं, अपने एक धारणा को प्रकट कर रहे हैं कि लगभग वह 10 मीटर होगा। ग्यारहवां जो प्रकार है निपात का वह है निर्देशार्थक निपात, इसके अंतर्गत ले, लो, लीजिए ये आते हैं। अब ये जो निपात है ये निर्देश प्रस्तुत करने के लिए या बताने के लिए हम इन निपातों का प्रयोग करते हैं। ले, तेरी बारी आ गई, ले अब तेरी बारी आ गई, यहाँ पर ले का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा है, लो खाना तैयार हो गया, लो भाई अब तक खाना तैयार हो गया खा लीजिए, या ऐसा प्रभाव डालने के लिए अपनी बात को अपनी बात पर प्रभाव प्रस्तुत करने के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। अंतिम क्या है, लीजिए आपके सामने झांकी प्रस्तुत है, तो यहाँ पर हम मतलब सामने वालों को निर्देशित करेंगे, लीजिए भैया अब आपके सामने जो झांकी है वो प्रस्तुत है।
तो इस तरह आपने देखा कि ये निपात जो है वो 11 प्रकार के होते हैं और उनका अलग अलग प्रयोग भी होता है। साथियों, सामान्यतः निपात का जो प्रयोग है वह किसी वाक्य में उसके अर्थ पर विशेष बल या प्रभाव देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। विशेष तौर से वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया सब पर भी हम बल देने के लिए इनका उपयोग करते हैं। निपातों का प्रयोग करने से जो बात है या जो भाव है उसमें एक प्रभाव पैदा हो जाता है, जिससे कि श्रोता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने लगता है। दूसरी बात, हम किसी भी वस्तु की, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, उस पे बल देते हैं, उसके निश्चितता को प्रकट करने के लिए हम निपातों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। साथियों, मुझे आशा है कि आज की जो जानकारी है आपको काफी ज्ञानवर्धक लगी होगी और आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आपके लिए ये जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। साथियों, यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल RF कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार।